क्या हो गया? रिलैक्स 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 आउट हाय यू गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ पूजा चौधरी एंड आई होप यू आर डूइंग गुड। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू मिंत्रा विंटर वेयर हॉल। तो आई हैव टोटल ऑफ 10 आइटम्स एंड विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इन टू द वीडियो। सो द फर्स्ट आइटम वी हैव इज़ वॉट आई एम वेयरिंग। इट्स फ्रॉम रोडस्टर एंड जस्ट सी द बैक एंड फ्रंट। मैंने सोचा क्यों ना सबसे चीप वाले स्टार्ट किया जाए। इसका प्राइस ओनली ऑन लाइक 400 समथिंग है, 399 रुपीज़ है। तो अगर आप चाहो तो ले सकते हो एंड इट इज़ वेरी सॉफ्ट, लाइक ट्रस्ट मी दिस इज़ वेरी सॉफ्ट। एंड मैंने साइज़ मीडियम लिया है तो देख रहे हो मीडियम काफ़ी अच्छे से मेरे को फिट हो गया। स्मॉल ज़्यादा टाइट हो जाता है तो इसलिए मैंने स्मॉल लगा। एंड इसकी परफेक्ट फिट, लेंथ सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी आई है एंड आई कैन शो यू द हुड एज वेल। तो हुडी के साथ भी ये ऐसे कुछ लगेगा एंड जो इसका प्राइस मैंने बताई दिया 400 एंड आई गेस 400 के हिसाब से क्वालिटी इज़ 10/10 एंड कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा है। और अंदर से भी ना लाइक फ्लीस वाली लाइनिंग है, इफ़ यू कैन, नहीं फ्लीस वाली लाइनिंग नहीं है, सिंपल वाली लाइनिंग है। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू यू कैन गो फॉर दिस, आई विल रियली लाइक इट एंड आई एम गोइंग टू गिव दिस 10/10 एंड द ब्रांड इज़ रोडस्टर। ओके, द सेकेंड आइटम वी हैव इज दिस ब्लू वॉट जिपर कार्डिगन हुडी वट एवर यू कैन से एंड इट हैज़, इफ़ यू कैन सी यहाँ पे ना हल्का हल्का सा, यहाँ पे हल्का सा टेक्स्चर कुछ दिया हुआ है प्रिंट सा एंड दिस इज़ द स्लीव्स। ये है हुडी और जो इसका प्राइस है वो 699 है और प्राइस के हिसाब से आई थिंक इट्स नाइस। और भी थोड़ी सी अच्छी हो सकती थी पर ठीक है। और ये साइज़ मैंने मीडियम लिया और मीडियम के बाद भी मेरे को थोड़ी सी छोटी लग रही है, लाइक कैन यू सी, एक साइज़ और बड़ा हो सकता था। एंड 699 इसका प्राइस है और काफ़ी अच्छी रेटिंग दी हुई थी, लाइक 4.1 स्टार की कुछ रेटिंग दी हुई थी। तो इफ़ यू वांट यू कैन कंसीडर दिस बट आई एम गोइंग टू स्किप दिस क्योंकि एक तो छोटा साइज़ है और ये वाला वर्क ना मेरे को थोड़ा सा अजीब लग रहा है। देखो हैंड्स पे अगर आप देख पा रहे हो तो लाइक दिस एंड दिस, लाइक नो आई डोंट लाइक दिस। सो नाउ लेट, दिस इज द थर्ड आइटम एंड ओ भाई मेरा कैमरा टेढ़ा हो रखा है। दिस इज द थर्ड आइटम एंड माय गॉड आई लव दिस। कैन यू सी द स्लीव्स? ओके, दिस पार्ट यहाँ पे ना हल्का सा कट आउट किया हुआ है लाइक दिस, काफी ऊंचा है एंड दिस इज दिस। और बस इसमें मेरे को हल्की सी दिक्कत ये लग रही है कि जो नेक वाला पार्ट है ना, मेरे को बहुत ज़्यादा टाइट चीज़ें पसंद नहीं है आती, मतलब ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा सफोकेशन और जैसे मेरे को सांस नहीं आ रही ठीक से, बस मेरे को ये दिक्कत लग रही है। अगर आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं है तो आप इजीली इसकी तरफ जा सकते हो। लिटरली मेरा दम घुट गया एंड बाकी वेरी वेरी कम्फर्टेबल। एंड जिसका प्राइस मैंने पे किया था वो है 734 मैंने इसका प्राइस पे किया था पर अभी ये थोड़ा सा डिस्काउंट पे 650 के अराउंड है तो आप जा सकते हो। और इसमें एक कलर और अवेलेबल है, बेज कलर, तो वो भी आप कंसीडर कर सकते हो। एंड आई फ्रीकिंग लव दिस स्वेट शर्ट, नहीं पुल ओवर कार्डिगन भाई, इसको आप इजीली, इसको जरूरत नहीं कुछ पहनने की, आराम से आप फ्रॉन्ट कर सकते हो अपने हाथ वाइप। तो आई लव दिस एंड 10/10 फॉर दिस स्वेटर यू कैन गो फॉर। This is the next item. It is cardigan sweater like this and black color में full toss. बाकी जो इसकी sleeves है ये like थोड़ी सी extra है and यहाँ पे blue color का something ऐसे करके ये बना रखा है, काफ़ी cool लग रहा है देखने में भी and मैंने white के ऊपर pair कर रखा तो ज़्यादा दिखने अच्छा लग रहा है दिखने में। और जो मैंने इसका price pay किया था वो 788 और knitted sweater है तो काफ़ी अच्छा है, मतलब देखने में भी कूल लगेगा, आप पहन सकते हो, आपकी मम्मा पहन सकती हैं और आपकी सिस्टर वगैरह जो भी है कैजुअली आप आराम से पहन सकते हो। एंड दिस इज़ क्वालिटी अगेन बहुत ज़्यादा अच्छी है इसकी पहनने में भी। और शायद मैंने मीडियम साइज़ लिया है तो मीडियम साइज़ सब पे चल जाता है तो यू कैन कंसीडर दिस एंड आई लव दिस स्वेटर एज वेल। आई एम गोइंग टू गिव दिस 10/10 अगेन, नो कंप्लेंट्स अबाउट दिस। दिस इज़ द बैक, ओके, एंड दिस इज़ द फ्रंट यू कैन सी। नाउ इट्स अप टू यू वॉट यू वॉन्ट। और जिसको मैंने प्राइस बता दिया 788 इसका प्राइस है, प्राइस के अकॉर्डिंग क्वालिटी इज़ टू गुड
और सिंपल सा कोई ब्लैक कलर का स्वेटर नहीं है जो इसकी ये एक्स्ट्रा आ रही है, इसकी वजह से थोड़ा सा एनहेंस हो गई है इसके फीचर, तो यू कैन कंसीडर दिस। आप इसके आप शायद इसको एथनिक के ऊपर भी पहन सकते हो, कैजुअल्स के ऊपर भी पहन सकते हो, जैसे चाहो वैसे पहन सकते हो। नाउ दिस इज़ द नेक्स्ट आइटम एंड दिस इज़ फजी वाला जो मटेरियल होता है ना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट सा लाइक दिस ऐसे करके मटेरियल है, और पुल ओवर स्वेटर है। एंड यहाँ पे भी ना लाइक दिस इफ़ यू कैन सी, नेक भी काफ़ी अच्छी है और यहाँ पे थोड़ा सा स्टाइल दिया हुआ है, तो ये भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा था मॉडल के ऊपर भी, तो मैंने सोचा क्यों। पर हल्का सा ना लाइक मॉडल ने जैसे पहन रखा था, हल्का सा उस पर कलर डिफरेंट लग रहा है, और जो रियल लाइफ में कलर डिफरेंट लग रहा है। ये भी हल्का सा ऐसे ही है, मतलब वहाँ पे मेरे को थोड़ा सा बेजिश कलर लग रहा था, और ये मस्टर्ड कलर है प्रॉपर। सो दिस इज़ द फ्रंट एंड दिस इज़ बैक, एंड द प्राइस आई हैव पे फॉर दिस इज 700 समथिंग। क्वालिटी भी अगेन अच्छी है। नाउ इट्स अप टू यू, इफ़ यू वॉन्ट यू कैन गो फॉर दिस, एंड इट्स नाउ आई डोंट वॉन्ट टू से एनी थिंग। स्लीव्स काफ़ी ज़्यादा लंबी हैं लाइक दिस, तो वो काफ़ी अच्छा फैक्टर है इसका। एंड दिस इज़ हाउ, ओके। एंड यहाँ पे ट्राई ऑन हॉल भी देख लेना वो कैसा लग रहा है। बाकी ओके, आई एम गोइंग टू गिव दिस 7/10, ओके। दिस इज़ द नेक्स्ट आइटम, ग्रीन सॉलिड सॉलिड ग्रीन ड्रेस बेरी वॉट जिप अप पुल ओवर, लाइक जिप अप वाला पुल ओवर। एंड क्वालिटी 10/10 गाइज, बिल्कुल एकदम हैवी फील हो रहा है। और जो H&M पे भी आपने बहुत सारे ऐसे जिप वाले हाफ जिप वाले देखे होंगे, तो अगेन प्राइस इसका 1040 रुपीज़ था, और पर अभी आउट ऑफ स्टॉक है। इसका एक और कलर ब्लैक अवेलेबल है, जैसे ही ये स्टॉक में आएगा मैं आप सबको रिमाइंड कर दूंगी। एंड दिस इज़ द बैक, दिस इज़ द फ्रंट, और जो इसका LA यहाँ पे लिख रहा है काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा है नो। एंड अगेन काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, इस मीडियम साइज़ लिया है मैंने। और दिस इज़ ऑल अबाउट दिस, आई एम गोइंग टू गिव दिस 10/10, अ सॉलिड 10/10। 1049 के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। इज़ द नेक्स्ट आइटम एंड दिस इज़ ब्लू श्वेट शर्ट, जैसे बिल्कुल टिपिकल स्काई ब्लू वाला कलर होता है ना, वैसे वाला। पर मेरे को ये कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है, पर ये कलर मेरे ऊपर अच्छा नहीं लगता। इसमें मैं मेरा फेस बहुत ज़्यादा डल लगता है, ऐसा लगता है येलोइश येलोइश, सो आई एम नॉट लाइकिंग दिस ऑन मी, ट्रस्ट मी। एंड जो इसका प्राइस है वो मैंने 1040 पे किया है, तो आई डोंट थिंक इट इज़ वर्थ इट। और अगेन पॉकेट है, पर ना ये जैसे पहले चलती थी ऐसे कुछ फील मेरे को ऐसा दे रहा है अभी। बाकी यू लेट मी नो डू यू लाइक दिस और नॉट। इसमें अभी सिर्फ एक्सेल साइज बचा हुआ है और बाकी सब आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं। और एक ब्राउन कलर और अवेलेबल है, बाकी अगर आपको ये कलर नहीं अच्छा लग रहा है तो आप ब्राउन की तरफ भी जा सकते हैं। सो दिस इज़ माई ऑनेस्ट ओपिनियन अबाउट दिस, एंड आई डोंट थिंक आई लाइक दिस। आई एम गोइंग टू गिव दिस 6/10। शायद कुछ और कलर ज़्यादा अच्छा लगता, अभी ये वाला कलर है इसलिए मेरे पे अच्छा नहीं लग रहा, तो आई डोंट नो, लाइक इट्स अप टू यू नाउ। दिस इज़ द नेक्स्ट आइटम, दैट इज़ जैकेट, एंड आई डोंट लाइक दिस। लाइक ना तो लेदर में है ना तो स्वेड में है, लाइक मुझे दोनों का कॉम्बिनेशन ही बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। लाइक यहाँ पे चमक चमक इतनी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लरी वाला लग रहा है, यहाँ पे चमक है, नो आई डोंट लाइक दिस एट ऑल। बाकी आपको देखने में पता नहीं कैसा लग रहा है, दो सबकी चॉइसेस सेम नहीं होती। बाकी दिस इज़ नॉट लुकिंग गुड टू मी, और दिस इज़ द बैक, ओके। एंड जो मैंने इसका प्राइस पे किया था वो 1100 समथिंग था, तो और साइज़ मैंने मीडियम लिया है उसकी वजह से आई डोंट नो, आई एम कन्फ्यूज, लिटिल कन्फ्यूज हियर। सो लाइक इफ़ यू वॉन्ट कैन क्लोज लाइक दिस, दिस इज़ वॉट आई एम टॉकिंग, दिस इज़ वेरी लाइक मैट फिनिश, स्वेड फिनिश, एंड दिस इज़ लेदर, वो भी चिपकी चिपकी सी ऐसी अजीब सी, तो आई डोंट नो, आई एम नॉट लाइकिंग दिस एट ऑल। और बटन भी इसमें, और जैसे कि लाइक ये वाले टिक टैक वाले बटन हैं, तो और दिस इज़ दिस। सो नाउ इट्स अप टू यू इफ़ यू वॉन्ट दिस और नॉट, और मेरे को आप मेरे को कमेंट में बताना आपको ये मेरे ऊपर अच्छी लग रही है या नहीं। इसको रेट करूँगी 6/10, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द, आई हैव लेफ्ट टू टू आइटम्स। दिस इज़ द सेकेंड लास्ट आइटम ऑफ दिस हॉल, एंड क्लियरली आई डोंट लाइक दिस वन एज वेल, बिकॉज एक तो मैंने मीडियम साइज़ लिया है, एंड कैन यू टेल दैट दिस इज़ मीडियम, लाइक दिस इज़ स्मॉल, ओके। एंड
जो प्राइस मैंने पे किया है वो 8049 और जो कि अभी डिस्काउंट पे 800 समथिंग, तो 1049 के हिसाब से तो क्लियरली नो, एंड क्वालिटी भी 1000 रुपीज़ के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये 800 समथिंग का मिल रहा है तो यू कैन गो फॉर दिस, बट 1000 के हिसाब से तो नो। एंड दिस इज़ इट, यू कैन सी द बैक एंड द फ्रंट, और जहाँ पे थोड़ा सा ये दिया हुआ है, और मतलब बहुत ज़्यादा स्टफ़ी फील हो रहा है मेरे को, ऐसा लग रहा है कि मतलब नो आई डोंट लाइक दिस एट ऑल। दिस इज़ द लास्ट आइटम एंड इट्स फ्रॉम ड्रेसबेरी जैकेट, और इसमें भी ना थोड़ा सा फजी फजी वाला स्टाइल है, लाइक इफ़ यू कैन सी द क्लोजअप, दिस इज़ द स्टाइल, और यहाँ पे एक छोटा सा पैच दिया हुआ है ताकि थोड़ा सा इसको स्टैंड आउट कर दे। और जो इसका प्राइस पे किया था वो मैंने 1200 किया था, एंड उस हिसाब से तो ओके है, डिसेंट है, बहुत ज़्यादा वाओ भी नहीं है कि ओ भाई 1200 में मेरे को क्या मिल गया, एंड ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा बेकार है, ओके क्वालिटी है और मीडियम साइज़ है। मेरे को शायद एल की तरफ जाना चाहिए क्योंकि मेरे को थोड़े से बैगी क्लोथ ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और ये भी मेरे को मीडियम के हिसाब से भी थोड़ी सी फिटेड सी आ रही है, डोंट यू थिंक। और मेरे ऐसा भी कोई साइज़ नहीं है, मेरे को एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ भी बहुत प्यार से आता है। काफ़ी अच्छी बात है कि इसमें पॉकेट्स है, एंड अंदर शायद अंदर कोई पॉकेट नहीं है, यहाँ पे ही पॉकेट है, एंड आई थिंक आई एम लाइकिंग दिस, ओके एंड आई एम गोइंग टू गिव दिस 8/10। ऐसा कुछ ज़्यादा मेरे को इस हॉल में ऐसा लगाने के भाई कितना ज़्यादा सुंदर था, एक तो वो ब्लैक वाला बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, और शायद एक ग्रीन वाला मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, एक दो आइटम और होंगे, बाकी तो सब ऐसे ही थे कि मतलब ठीक ठीक ही। सो दिस इज़ इट, नाउ इट्स अप टू यू, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस हॉल, एंड आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट हॉल, और आप मेरे को कॉमेंट में बता देना आपको नेक्स्ट हॉल किसके ऊपर देखना है। तो बाय गाइज, आई लव यू, सॉरी फॉर MIA, बाय, आई लव यू ऑल।